सारे हिंदुस्तान में हिजाब बंद होना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए। नमस्कार। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद पूरे देश में गूंज रहा है। हर आम खास इस पर अपनी राय रख रहा है। इसी कड़ी में जब यूपी में चौथे चरण का मतदान हो रहा है, ऐसे में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का हिजाब को लेकर ऐसा बयान सामने आया जिसने नया विवाद खड़ा कर दिया। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने दो टूक कह दिया कि देश में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए। आपको बताते चलें, बुधवार को उन्नाव समेत प्रदेश के 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली और फतेहपुर शामिल हैं। उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे। वोट डालने के बाद साक्षी महाराज ने मीडिया से बात की और बीजेपी की जीत का दम भरा। उन्होंने कहा, उन्नाव में 6 की 6 सीटें बीजेपी को मिलेंगी। 2017 में योगी आदित्यनाथ को जो जनादेश मिला था, इस बार वो अपना रिकॉर्ड तोड़कर भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। हो सकता है यह आंकड़ा 350 तक चला जाए। इसी दौरान बीजेपी सांसद से पूछा गया कि वो हिजाब के मुद्दे पर क्या राय रखते हैं। इस सवाल पर साक्षी महाराज ने कहा, ये नियम कर्नाटक में बनाया गया था। मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि देश में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए। जाहिर है बीजेपी सांसद का इस तरह का बयान आना था तो इस पर बवाल तो मचना ही था। इस पर अब एक नई बहस शुरू हो गई है। हिजाब के मुद्दे पर साक्षी महाराज ने और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। ऑब्वियसली क्या कहते हैं, डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान क्या कहता है, ये भारत फतवों से ओबीसी के कहने से नहीं चलेगा, भारत के संविधान से, बाबा के संविधान से चलेगा। इसलिए किसी के कहने का कोई अर्थ नहीं है। कर्नाटक सरकार ने निर्णय लिया है, उसका हम स्वागत करते हैं। मेरा व्यक्तिगत विचार है, सारे हिंदुस्तान में हिजाब बंद होना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए। अभी कर्नाटक में कुछ लोग पकड़े गए हैं जो बुरके में थे, हिजाब में थे, लड़की का बेस बना के आतंकी जा रहे थे, पुलिस को पता चल गया, पकड़ गया, सभी लड़के निकले सभी बदमाश हैं। आपको बताते चले, हिजाब का विवाद कर्नाटक से शुरू हुआ था और अब पूरे देश में ये तूल पकड़ चुका है। इस मुद्दे पर भी देश दो खेमों में बटा दिख रहा है। बहरहाल चुनावों की बात कर ले तो आज कई दिग्गज हस्तियां भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने घर से निकल रही हैं। मायावती ने भी सुबह सुबह लखनऊ के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला और इस दौरान मायावती ने मतदाताओं से अपील भी की कि सभी अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करें। एक एक वोट जरूरी है, लोकतंत्र के लिए वोट अवश्य डालिए। बहरहाल हिजाब को लेकर साक्षी महाराज के इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ओबीसी क्या कहते हैं, डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान क्या कहता है, ये भारत फतवों से ओबीसी के कहने से नहीं चलेगा, भारत के संविधान से, बाबा के संविधान से चलेगा। इसलिए किसी के कहने का कोई अर्थ नहीं है। कर्नाटक सरकार ने निर्णय लिया है, उसका हम स्वागत करते हैं। मेरा व्यक्तिगत विचार है, सारे हिंदुस्तान में हिजाब बंद होना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए। अभी कर्नाटक में कुछ लोग पकड़े गए हैं जो बुरके में थे, हिजाब में थे, लड़की का बेस बना के आतंकी जा रहे थे, पुलिस को पता चल गया, पकड़ गया, सभी लड़के निकले सभी बदमाश हैं।